नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान संवाद में और मैं हूं आपके साथ विनीता। पश्चिम राजस्थान का थार का मरुस्थल इन दिनों मौसम की मार झेल रहा है। जहां अचानक बदले मौसम ने जनजीवन को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया, वहीं दूसरी ओर किसानों के चेहरे की चिंता भी और बढ़ा दी है। बारिश और ओलावृष्टि से मंडियों में रखा अनाज भीग गया है और किसानों की नींद उड़ गई है। बारिश, आंधी और ओलावृष्टि एक साथ इन तीन चीज़ों ने ऐसा कहर ढाया है कि मानो महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया हो। किसान मायूस और बेबस हैं। लगातार मौसम की मार रुकने का नाम नहीं ले रही। जहां बीकानेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में पिछले तीन दिनों में मौसम की ऐसी मार देखी गई कि किसानों की फसलें खराब हो गई और जनजीवन प्रभावित हो गया है। मौसम के ऐसे रौद्र रूप ने मंडियों में रखे किसानों के अनाज को पानी पानी कर दिया है। वहीं श्रीगंगानगर में तेज बारिश और ओलावृष्टि ने भारी नुकसान पहुँचाया है। किसानों का कहना है कि बारिश और मौसम की मार ने उनका भारी नुकसान किया है। हाल फिलहाल सरकार की तरफ से कोई बात सामने नहीं आई है। खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। करीब महीने भर में दूसरी बार बेमौसम बारिश से किसानों के चेहरे की चिंता और बढ़ा दी है, लेकिन गेहूं को लेकर किसानों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ने निर्देश के बाद राज्य सरकार किसानों ने 90% तक चमकहीन गेहूं खरीद रही है। ऐसे में किसानों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। जो फसल खेतों में खिलखिला रही थी वे अब मुरझा गई है, लेकिन भारी तबाही के बाद भी गहलोत सरकार ने अभी तक किसी भी तरह की राहत की घोषणा नहीं की है। ऐसे में मानसून से पहले किसानों की कमर टूट चुकी है। अब अधिकतर किसानों आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। ऐसे में अब लाखों किसानों को इस बात का इंतजार है कि गहलोत सरकार कब राहत पैकेज की घोषणा करे और कब किसानों को कुछ राहत मिल सके। आज के इस डिजिटल दुनिया में हर कोई चाहता है यूट्यूब पर छाना, हर कोई चाहता है यूट्यूब पर अपनी बात बताना। लेकिन अगर आपके पास एंकर, स्टूडियो, एडिटिंग और दूसरे संसाधन नहीं है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस दे सकता है आपको सभी वीडियो प्रोडक्शन सर्विसेज। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9001299672 और विजिट करें मिशी मीडिया सॉल्यूशंस.com।